मैं हूं लीला, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है छठ के दूसरे दिन खरना के नियम। छठ पूजा के दूसरे दिन की शुरुआत खरना से होती है। छठ के चारों दिन का अलग अलग महत्व होता है। 6 नवंबर दिन बुधवार के दिन खरना मनाया जाता है। छठ के महापर्व में खरना का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन छठ का विशेष प्रसाद बनाया जाता है। आइए जानते हैं खरना व्रत के नियम। इस बार छठ पूजा के दूसरे दिन 6 नवंबर 2024 दिन बुधवार को है। इस दिन शाम से लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ हो जाता है। इस दिन से रोटी, गुड़ की खीर और फल का भोग लगाया जाता है। खरना वाले दिन भगवान का विशेष प्रसाद व्रत रखने वाले ही तैयार करते हैं और शाम के समय भगवान को अर्पित करने के बाद ही उसे ग्रहण करते हैं। खरना से जो उपवास आरंभ होता है वह सप्तमी तिथि के दिन अर्घ देने के साथ ही समाप्त होता है। खरना के नियम। नंबर एक, इस दिन मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाई जाती है। इसके लिए पीतल के बर्तन का प्रयोग किया जाता है। ये खीर बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के साथ बनाई जाती है, इसलिए मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग किया जाता है। खीर के अलावा गुड़ की अन्य मिठाई, ठेकुआ और लड्डू आदि भी बनाए जाते हैं। नंबर दो, खरना की ये खास खीर सिर्फ और सिर्फ व्रती इंसान ही बनाता है। पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय व्रती व्यक्ति इसी गुड़ की खीर का सेवन करते हैं। शाम के समय व्रत रखने वाला व्यक्ति कमरा बंद करके खीर का सेवन करता है। इसके बाद पूरा परिवार व्रती व्यक्ति से आशीर्वाद लेता है। साथ ही सुहागन महिलाएं व्रती महिलाओं से सिंदूर लगवाती हैं। नंबर तीन, शाम में केले के पत्ते पर खीर के कई भाग किए जाते हैं। अलग अलग देवी देवताओं, छठ मैया, सूर्यदेव का हिस्सा निकाला जाता है। इसके बाद केला, दूध, बाकी पकवान भी उसके ऊपर रखे जाते हैं। फिर छठी मैया का ध्यान करते हुए अर्पित करने के बाद व्रती महिलाएं इसे ग्रहण करती हैं, कमरा बंद करके भोजन करती हैं। नंबर चार, व्रती शाम के समय केले के पत्ते पर खीर अलग अलग देवी देवताओं, छठी मैया, सूर्यदेव का हिस्सा निकाला जाता है। इन हिस्सों पर केला, दूध, बाकी पकवान भी इसके ऊपर ही रखा जाते हैं। फिर इसे परिवार के सभी लोगों के बीच से प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। नंबर पाँच, खरना के दिन जब व्रती गुड़ की खीर का भोग लगा लें तो परिवार के सभी लोग उससे आशीर्वाद लेते हैं इसी के साथ लगभग 36 घंटों का मुख्य व्रत आरंभ हो जाता है, जिससे सुबह के अर्घ देने तक फिर अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता। नंबर छः, छठ का व्रत रखने वालों को भूमि पर शयन करना चाहिए, साथ ही पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस दौरान सोने के लिए तकिया आदि का भी प्रयोग नहीं किया जाता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।